हरी ओम स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन में बायलैटरल फंक्शंस का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर, आर का मतलब ये रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में फंक्शन है, गिवन बाय फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, व्हेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, a is not equal to 0 is a bijective function, ये एक bijective function होगा, इसको आपको प्रूव करना है। इसके लिए हम लोग दो दो एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं डोमेन से, फंक्शन का डोमेन से दो एलिमेंट्स लेते हैं, इस तरह से लेते हैं कि फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 आपस में इक्वल हो, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन ऑफ f such that फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, फंक्शन ऑफ x ऑलरेडी डिफाइंड है a x plus b, तो फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा a x1 plus b, और फंक्शन ऑफ x2 हो जाएगा a x2 plus b, दोनों तरफ b b कैंसिल करेंगे तो हम लोग a x1 इक्वल टू a x2 लिख सकते हैं, दिस इज इंप्लाइड a x1 इक्वल टू a x2, a a दोनों तरफ कैंसिल यदि हो गया तो x1 बराबर x2 हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब इस तरह का बात यदि हो जाता है तो फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं, उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, तो ये इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, को डोमेन से हम लोग एक ठो मेंबर, कोई एक ठो आर्बिट्री मेंबर हम लोग लेते हैं, तो लेट y बिलोंग्स टू r, ये को डोमेन का मेंबर है, को डोमेन ऑफ f, देन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y होना चाहिए, तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y हम लोग लेकर के चले हैं, यानी फंक्शन का वैल्यू y हम लोग कंसिडर कर, तो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ से ए एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं y माइनस बी, यहाँ से अलग कर सकते हैं, x को अलग कर दिए तो x इक्वल टू लिख सकते हैं y माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, इसका मतलब क्लियरली x का जो वैल्यू है y माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बिलोंग्स टू R, ये x किसका मेंबर हो गया, डोमेन का मेंबर हो गया, डोमेन ऑफ f का, इसका मतलब कोडोमेन से कोई एक तो यदि हम लोग मेंबर लेते हैं तो उसका एक प्री इमेज हम लोग को डोमेन में मिलता है, तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू y माइनस बी डिवाइडेड बाई ए belongs to R, any domain of F, such that function of x equal to x का value अभी हम लोग determine करके हम लोग देखे थे y minus b divided by a, इसको put करते हैं function में, original के function value है, ये given value है, उसमें हम लोग put कर दिए, तो ये तो a और x के place में आपका y minus b divided by a है, अब plus b है, ये already आपका दिया हुआ है, function of x equal to आप देख रहे हैं a x plus b है, इसी में x की जगह पर y माइनस बी डिवाइडेड बाई ए पुट करने से ये वैल्यू हम लोग को मिला, यहाँ से कैंसिल होकर के ये y हो, तब हम लोग लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन ऑफ f हैज प्री इमेज इन द डोमेन ऑफ f, देयरफॉर तो हम लोग f को क्या कर सकते हैं, अनटू फंक्शन कर सकते हैं, या इसी को हम लोग सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, एक नंबर इक्वेशन और दो नंबर इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कि f जो है वो बायजेक्टिव का है, वो इंजेक्टिव भी हो गया सब्जेक्टिव हो गया, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके जो होता है दोनों जो प्रेजेंट होता है किसी फंक्शन में उसी को हम लोग बायजेक्टिव फंक्शन करते हैं, हैंस प्रूफ।